हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? सुचिता हियर। आज हम बात करेंगे पेशेंस की। पेशेंस जो हम लोगों के अंदर नहीं है, शायद मेरे अंदर भी नहीं है। मैं जो ज्ञान की बातें कर रही हूँ, हो सकता है मेरे अंदर भी इतना पेशेंस ना हो। ये लोग आपको कहते हैं, आपके फ्रेंड्स भी, एवरीबडी सेज कि यार चिल मार चिल मार चिल मार। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ चिल मार। ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू से चिल मार, बट आप जिसको बोल रहे हो, यू डोंट नो आई मीन व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, वो क्या असर देगा उस इंसान के ऊपर जिसको आप कह रहे हो चिल मार, राइट? और उसने तो कुछ ऐसी बात ही नहीं की है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, उसने से कोई बात नहीं की कि इसको चिल मारना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बात करना भी गुनाह है? यू नो, ये बन गया है जिस माहौल में मैं हूँ और आजकल मैं देख रही हूँ ये चीज़ें। लोग कहते हैं टेंशन मतलब चिल मार, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आती है तब उनकी चिल कहीं चली जाती है, तब उनका इग्नोर कहीं चला जाता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, क्योंकि ऐसे आपकी लाइफ में बहुत भरे पड़े हैं। मैं यहाँ ज्ञान दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब भुगता है। एंड कहते हैं ना, आई हैड माई ओन टेस्ट, मुझे ये टेस्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ही ज्ञान बांट रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि आपके आसपास ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको बेवजह स्पेशली किसी और के सामने बोलेंगे चिल मार। लाइक यू नो दैट द पर्सन इज़ वेरी हाइपर, और मे बी यू नो द पर्सन इज टेकिंग टू मच टेंशन। मतलब आप उसको ज़्यादा जानते हो, वो अपने आप को कम जानता है या जानती है, लेकिन आप उसको ज़्यादा जानते हो। तो ये क्या होता है, ये शायद हम जैसे ही लोग हैं जो लोगों को अथॉरिटी देते हैं बोलने की, मुझे ऐसा लगता है। हम जैसे लोग, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। एज आई सेड, आई एम नॉट परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ। तो जो ये लोग हैं आसपास के, ये कहते हैं पेशेंस रखो। मेरा मतलब ये है, आपको पता है कि आपने पेशेंस रखा है, आपको मालूम है बट यू हैव गॉन थ्रू, यू नो वट वॉज द सिचुएशन, यू नो वेन एंड वेयर यू रिएक्टेड। तो वो है कौन जिसको सफाई देनी है? कोई नहीं है। रखना, सुख में आपके 20 लोग आएंगे, दुख में आपके 5 लोग आएंगे, ये मंत्र हमेशा याद रखना। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। आधा जैसे मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं फ्लाई करती थी, मैं इंसिडेंट शेयर करूँगी आपके साथ, तो मुझे बोला जाता था, एक दिन पता नहीं कुछ तो बात थी, किसी ने मुझे बोला चिल डूड चिल, सो आई गॉट सो पिस्ड ऑफ। आई वाज लाइक, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप मुझे चिल बोल रहे हो, तो मैं और चिढ़ गई। तब से मुझे ये शब्द नेगेटिव लगता था और आज तक लगता है। मैं आपसे झूठ क्यों कहूँ, मुझे लगता है ये शब्द नेगेटिव और मैं नहीं चाहती कि मैं इसे यूज़ करूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, भले किसी ने मेरे लिए यूज़ किया हो, मैंने फिर भी उसके लिए यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ एक मैं आपको मंत्र दूँगी, इग्नोर। मैं पेशेंस भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे पेशेंस कितने लेवल के हैं, क्या है, नोबडी कैन जज, नोबडी हैज़ राइट टू जज। सो आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, इग्नोर। इग्नोर इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड आई हैव डन दैट। अब कभी कभी मेरा मन नहीं लगता था, आप बोलो इग्नोर करो, पर या कैसे इग्नोर कर लो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है। इग्नोर करने के बहुत तरीके हैं। मैंने गेम्स डाउनलोड किए हुए हैं, मैं वो खेल लेती हूँ। मैं अपनी ऑफकोर्स ऑनलाइन क्लास कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा होता है तो मैं ऑफकोर्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, और मुझे ज़्यादा होता है तो मैं एज ऐसे मैं गेम खेल लेती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रख लेती हूँ। मूवीज़ देखना मुझे इतना पसंद है नहीं, सीरीज़ में देख लेती हूँ। तो आई विल गिव यू दिस मंत्र, और मैं ये कतर एयरवेज के कैबिन क्रू को भी जो जा रहे हैं अभी, उनको भी यही दूंगी, इग्नोर इग्नोर। समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आंसर, है ना? कितना साइलेंस इज द बिग आंसर टू एनीबॉडी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस और फॉलो दैट। मेरे जो वीडियो बन रहे हैं, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बन रहे हैं, ना मैंने किसी से सीखा है, ना मैंने किसी से पूछा है, और ना ही कुछ है। मेरे मन में जो आता है मैं आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एज आई सेड, मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और इसी तरीके से पसंद करते रहो, एंड फॉलो मी, आस्क मी क्वेश्चंस, तो मैं आपको आंसर कर सकूँ। धीरे 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 मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ से रिलेटेड बताऊँगी, हाउ टू डील विद इट। पहले एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, इम्पल्सिवनेस, जो हम लोग को बहुत इम्पल्सिव है। मैं आज भी हूँ, मैं आज भी बहुत इम्पल्सिव हूँ विद माई फैमिली, और अगर किसी ने मुझे कुछ काम दिया है, फॉर दैट ऑल्सो आई एम वेरी इम्पल्सिव। तो वो नहीं होना है, जस्ट रिमेंबर दैट। उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इम्पल्सिव कैसे नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? बट वी हैव टू वर्क फॉर आवर सेल्व्स। सो अगेन वेलकम विद अनदर वीडियो। मूल मंत्र याद रखिए, इग्नोर, जस्ट इग्नोर। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मच लव टू यू ऑल, बाय बाय।